गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ मतलब बच्चों विजय या जीत, सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा ऑपरेशन, ऑपरेशन की जीत। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा से कुत्ते का नाम है बच्चों, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड लाड प्यार किया जाता है और ओवरफेड जरूरत से ज़्यादा खिलाया जाता है उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी मालकिन एक वेटरनरी जानवरों के सर्जन और शल्य चिकित्सा करने वाले ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या डॉक्टर उस कुत्ते का ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या वह कुत्ता पुनः स्वस्थ होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों, जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उत्तर इनका देना है। वाई इज मिसिज पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसिज पम्फ्री उसकी कुत्ते की मालकिन का नाम है, तो मिसिज पम्फ्री ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम, और मिसिज पम्फ्री ने उस कुत्ते की हेल्प करने के लिए क्या किया। इज शी वाइज इन दिस, क्या ऐसा करने में उन्होंने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में आई कौन है, किसके लिए आई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, ये जो स्टोरी है इसमें और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर जो उस ट्रिकी नाम के डॉक्टर डॉग का इलाज करते हैं। तो यहाँ पर आई शब्द का जो प्रयोग है बच्चों वो डॉक्टर के लिए किया गया है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, डॉक्टर कह रहे हैं इस बार में वास्तव में इस ट्रिकी के लिए चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को पुल्ड अप किया मतलब रोका। When I saw him in the street, जब मैंने उस कुत्ते को गली में देखा with his mistress, अपनी मालकिन के साथ। And I was shocked at his appearance, और उसको देख करके वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा था उसको देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया। He had become hugely fat, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, बेहद मोटा। Like a bloated sausage, और एक bloated फूले हुए sausage मांसाहारी व्यंजन के समान दिखाई दे रहा था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे उसके शरीर के हर कॉर्नर पर हर हिस्से पर लेग एक टांग निकली हुई हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, और उसकी आँखें और ब्लड शॉट रक्तमय बिल्कुल लाल हो गई, और र्यूमी मतलब उसकी आँखों में पानी नजर आने लगा। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो स्टेयर्ड एक टकी टकटकी लगाकर एक और बिल्कुल सीधा सामने की ओर देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ थी वो लोल्ड हो रही थी, लटक रही थी उसके और जॉज जबड़े से बाहर। आपने देखा है बच्चा कुत्ता जो है और वो क्या करता है, मुंह खोल करके और जीभ को बाहर लटका कर रखता है, तो बाहर उसकी जीभ लटकी हुई थी। मिसिज पम्फ्री हैज टर्न्ड टू एक्सप्लेन, और मिसिज पम्फ्री जो थी वो और जल्दी से एक्सप्लेन समझाने लगी। जैसे उन्होंने डॉक्टर को देखा तो वो बताने लगी डॉक्टर को। He was soullessless Mr. Harriot. Mr. Harriot, यहाँ पर डॉक्टर का नाम क्या है, Mr. Harriot. तो ये बड़ा बेचैन रहता है। यहाँ ही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है बच्चों, कुत्ते के लिए, ट्रिकी के लिए। तो ये बड़ा बेचैन सा रहता है। He seemed to have no energy, ऐसा लगता है इसमें कोई ताकत नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. Malnutrition मतलब कुपोषण। मैं सोचती हूँ कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals, खाने के बीच बीच में, to build him up, इसे ताकत देने के लिए मैं उसको कुछ अतिरिक्त भोजन भी करवाती हूँ। some malt, कुछ मैं इसको malt देती हूँ मतलब जौ की शराब देती हूँ। cod liver oil, कड मछली का तेल देती हूँ। and a bowl of horlicks at night to make up him sleep, और उसे सुलाने के लिए रात के समय में से horlicks का दूध का कटोरा भी देती हूँ मतलब horlicks पिलाती हूँ। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसको अतिरिक्त भोजन में देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तभी डॉक्टर्स पूछते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें बताया था
क्या आपने इन इसका जो मिठाइयाँ हैं वो बंद कर दी है? ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा सा तो मैंने इसका मीठा बंद किया है, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन ये बहुत कमज़ोर दिखाई देता है तो मुझ पर इस पर रिलेंट आ जाता है, मतलब तरस आ जाता है। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, और इसे क्रीम वाले केक और चॉकलेट्स भी पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसको मना करना सहन नहीं कर सकती, मैं इसको मना नहीं कर सकती खाने से। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की ओर देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और यही तो परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही गलती थी कि वो लालची था, लालच करता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आर ऑफ द डे और नाइट, टेकल मतलब पकड़ना, और दिन और रात के किसी भी समय जब भी उसे भोजन दिया जाता तभी वह भोजन को पकड़ लेता था, मतलब ले लेता था, खा लेता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्री हैडंट मेंशन, और मुझे आश्चर्य था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मिसिस पम्फ्री ने मुझे बताई ही नहीं थी, जिन चीज़ों का मिसिस पम्फ्री ने मुझे उल्लेख ही नहीं किया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तभी डॉक्टर ने पूछा मिसिस पम्फ्री से, क्या आप इसे पर्याप्त रूप से एक्सरसाइज कसरत वगैरह करवाती हैं? वेल शी हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो उन्होंने कहा कि हाँ जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको थोड़ा थोड़ा वॉकिंग पर ले जाती हूँ, घुमाने ले जाती हूँ। बट हॉटगिन द गार्डनर, लेकिन जो मेरा माली है हॉटगिन नाम का, हैज़ बीन डाउन विद लुम्बेगो, उसको कमर दर्द है, मतलब उसकी मांसपेशियों में दर्द है, सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, काफ़ी समय से, और ये अपने खेल जो था रिंग थ्रोइंग का वो नहीं खेल पा रहा है। ये सारा वर्णन और इस प्रकार से चित्र में आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से ये ट्रिकी नाम का छोटा सा कुत्ता है, और इसकी मालकिन है मिसिस पम्फ्री, और यहाँ इसके डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट, दोनों में बातचीत चल रही है डॉग के संबंध में। आई ट्राई टू साउंड सीवर, और मैंने उस समय थोड़ा गंभीर होने की कोशिश की, नाउ आई रियली मीन दिस, लेकिन अब मेरी बातों का कोई मतलब है, मतलब मैं चाहता हूँ आप मेरी बात को समझें। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर अभी के अभी इसके भोजन में आपने कटौती नहीं की, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा से एक्सरसाइज कसरत नहीं करवाई, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना हृदय अपना दिल मजबूत करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसके भोजन की जो डाइट है उसको बहुत ही कठोर आपको पालन करना होगा, आपको इसको इतना भोजन नहीं करवाना है। मिसिस पम्फ्री रंग हिज हैंड्स, मिसिस पम्फ्री ने अपने हाथों को मला। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, उसने कहा ओ मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई, हेड डाउन सिर नीचा करके, अलोंग द रोड सड़क के किनारे किनारे, एज इफ डिटर्मिंड, जैसे कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रिज़ाइन इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली, जैसे इस नए रिज़ाइन प्रशासन को वो तुरंत प्रभाव से लागू कर देगी, मतलब उसके भोजन में वो कटौती कर देगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, और जब मैंने उनको आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी चिंताएं और बढ़ गई। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी लड़खड़ा रहा था, अलोंग इन हिज लिटिल ट्विट कोट, और किसके अंदर, उसके छोटे से ट्विट मोटे गर्म कपड़े से बने हुए कोट के अंदर, जब वो धीरे धीरे चल रहा था तो वो लड़खड़ा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, इस प्रकार के कोट्स की उसके पास बहुत क्या भरी थी, पूरी वार्डरोब अलमारी भरी हुई थी, अलमारी भरे कपड़े उसके पास थे, और कोट कितने प्रकार के, फॉर द कोल्ड विंटर, सर्दी के मौसम के, कोल्ड वेदर सर्दी के मौसम के लिए अलग कोट थे, एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के दिनों के लिए उसके पास रेनकोट्स थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष कर रहा था, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और ड्रूपिंग झुका हुआ अपने हार्नेस अपने कवच के अंदर वो चल रहा था, बंधा हुआ था जंजीर से। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्री, तो डॉक्टर ने सोच लिया कि अब ज़्यादा समय नहीं है, थोड़े दिन में मिसिस पम्फ्री मुझे कॉल करने वाली है कि उनका कुत्ता क्या हो गया है, बीमार हो गया है।
द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में जो जिस कॉल की जिस बुलावे की मुझे आशा थी वो बुलावा आ गया। मिसिस पम्फ्री वॉज डिस्ट्राउट, और जो मिसिस पम्फ्री जो थी वो डिस्ट्राउट बहुत चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उन्होंने कहा ट्रिकी कुछ नहीं खाता है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसके स्वादिष्ट उसके जो फेवरेट पसंदीदा व्यंजन थे वो भी खाना उसने मना कर दिया है। और बिसाइड्स इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे उल्टियों के दौरे, मतलब उसको उल्टियाँ हो रही है बार बार। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और वह सारे समय लेटा रहता है एक रग पर एक कालीन पर पेंटिंग हाफते हुए। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और वह घूमने भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वह कुछ करना भी नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपनी योजनाएं पहले से ही बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही तरीका था कि कुछ समय के लिए और इस घर से ट्रिकी को बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया कि ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और इसे निरीक्षण में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा इसलिए, और उसको हॉस्पिटल में कितने दिन, लगभग 14 दिन, फोर्टनाइट मतलब 14 दिन, और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूंड, और जो बेचारी महिला थी कौन उसकी मालकिन, वो बिल्कुल क्या होगी, स्वीट सदमे में आ गई, उसके होश खोने लगे। शी वाज श्योर, वो आश्वस्त थी, ही वुड पाइन, पाइन मतलब सैड, जो ट्रिकी था वो भी बड़ा दुखी हो जाएगा इस बात को सुनकर, और डाई, और वो मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर रोजाना वो उसकी मालकिन को नहीं देखेगा तो मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक लाइन को पकड़ लिया कि इस डॉगी को यहाँ से लेकर ही जाना है, वरना ये बहुत बीमार हो जाएगा। तो ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसे बचाने का केवल एक ही तरीका था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना देरी किए इस कुत्ते को यहाँ से ले जाना चाहिए। एंड और फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रीज वेलिंग्स, और जब मैं उसे ले जा रहा था तो क्या हो रहा था, पीछे से मिसिस पम्फ्री जो थी वो रोने लगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैं आगे बढ़ गया कार तक उस छोटे डॉगी को रैप्ड लपेट कर ब्लैंकेट कंबल में, और उसे हाथ में लेकर मैं बाहर आ गया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, और उनके घर में जितना भी स्टाफ काम करता था, नौकर चाकर, वो सब खड़े हो गए। मेड्स नौकरानियाँ रस्ड इन एंड आउट, वो अंदर बाहर की ओर भागने लगी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, कोई उसका दिन का बिस्तर ला रही है। हिज नाइट बेड, कोई रात का बिस्तर। फेवरेट कुशंस, उसके पसंदीदा गद्दियाँ। उसके टॉयज़ खिलौने, उसकी रबर की रिंग्स खेलने के लिए। उसका ब्रेकफास्ट का बाउल, उसका लंच का बाउल, और उसका सफ़र का बाउल, मतलब ब्रेकफास्ट अलग कटोरे में करता है, लंच अलग कटोरे में करता है, और रात्रि का भोजन अलग कटोरे में करता है। सबके अलग अलग कटोरे बाउल बने हुए हैं, तो वो ले लेकर आने लगे नौकर सब। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, ये महसूस कर लिया मैंने कि मेरी कार में ये इतना सारा सामान नहीं आएगा, तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैंने वहाँ पलट कर देखा, मिसिस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, और मिसिस पम्फ्री जो पीछे देखा तो क्या था, वो निराशा से रो रही थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उन्होंने अपनी बाहों में भरकर बहुत सारे छोटे छोटे कोट उसके, और वो खिड़की से बाहर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब मैं कार चला रहा था और जब मैं उनकी गली के कॉर्नर पे मुड़ा, तो मैंने अपनी गाड़ी के कांच में देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी की आंखों में क्या थे, आंसू थे। आउट ऑन द रोड, और जब मैं सड़क पर आ गया, आई ग्लेज डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, और मैंने एक नज़र डाली और इस दयनीय छोटे जीव जानवर को देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरी बगल में जो सीट थी उस पर वो बैठा हुआ हाँफ रहा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को सहलाया, थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने भी एक बहादुरी भरा प्रयास किया और अपनी पूंछ को हिलाने लगा। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, मैंने कहा बेचारा बेचारा लड़का।
यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। डॉक्टर ने कहा आप तुम्हारे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम एक किक मार सको, एक लात मार सको, बट लेकिन मैं सोचता हूँ आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज कैसे होगा। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ये क्वेश्चन यहाँ बनाया गया है कि क्या लेखक उतना अमीर है जितनी ट्रिकी की मालकिन। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, और मिस्टर हैरियट उस डॉग के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और वो परमानेंट रूप से अपना मेहमान बनाकर ट्रिकी को क्यों रखना चाहते हैं। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? और Mrs. Pumphrey ऐसा क्यों सोचती है कि जब उनका कुत्ता ठीक हो जाता है तो सोचती है कि सर्जरी की जीत हो गई, मतलब ऑपरेशन सक्सेस हो गया। तो ये पढ़ने के लिए हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। At the surgery, और जब वो सर्जरी में मतलब हॉस्पिटल में पहुँचे, the household dogs search round me, तो उस घर में उस हॉस्पिटल में रहने वाले सारे कुत्तों ने और मुझे घेर लिया, मुझे मतलब डॉक्टर को घेर लिया। ट्रिकी लुकड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ द लाइज, ट्रिकी ने नीचे देखा नॉइजी शोर कर रहे पैक मतलब झुंड, कुत्तों का झुंड जो शोर मचा रहा था, तो अपनी डल आइज अपनी उदास आंखों से उसने उस झुंड को देखा। एंड वैन पुट डाउन, और जब ट्रिकी को नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो एक कारपेट एक चटाई पर वो बिल्कुल गतिहीन होकर पड़ा रहा। The other dogs are sniffing round him for a few seconds. कुछ सेकेंड्स तक दूसरे जो कुत्ते थे वो उसके चारों ओर जमा हो गए और उसे sniffing सूंघने लगे। Decided he was an uninteresting object and ignored him. तो कुत्तों ने सूंघ करके निश्चय कर लिया कि ये बहुत ही अरुचिकर जीव है, और उसके बाद उसकी उपेक्षा करके वो सारे कुत्ते वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे वहाँ उन्हीं की बगल में और एक वार्म गर्म लूज और खुले हुए बॉक्स के अंदर मैंने उसके लिए बिस्तर तैयार किया। फॉर टू डेज, दो दिन तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसके ऊपर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे कोई भोजन नहीं दिया दो दिन तक, केवल उसे पर्याप्त रूप में पीने का पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जब दूसरा दिन समाप्त होने जा रहा था, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण में उसने रुचि दिखाना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड, और जब तीसरा दिन हुआ, ही बिगेन टू विम्पर, वो पिनपिनाने लगा, मतलब अपने मुंह से आवाज़ निकालने लगा। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उस हॉस्पिटल के आंगन में उसने दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी तो वो भी अपने मुँह से साउंड निकालने लगा। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी वहाँ से बाहर निकला। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ बाय जो, और उसको तुरंत एनगल्फ घेर लिया गया, किसके द्वारा, जो के द्वारा। जो क्या है, जो कौन है, द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड प्रजाति का ये कुत्ता है, और इस कुत्ते ने और उसके फ्रेंड्स ने सब ने मिलकर उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और थोड़ी देर तक उसे रोलिंग हिम घुमा फिरा कर देखा, थ्रूली इंस्पेक्टेड हिम, उसका पूरी तरह से निरीक्षण किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उसके बाद सारे के सारे कुत्ते आगे की ओर बढ़ गए और गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली, थोड़ा घूमता फिरता सा, विद हिज सरप्लस फ्लैट, उसके अतिरिक्त और मोटापे के साथ बढ़ता हुआ वो भी आगे गार्डन में चला गया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम, जब भोजन का समय हुआ तो मैं वहाँ उपस्थित रहा। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, ट्रिस्टन नाम का व्यक्ति जो वहाँ का रसोईया था, जो सबको भोजन कराता था सभी कुत्तों को, तो जब ट्रिस्टन ने स्लॉप्ड डाला फूड भोजन इनटू द बाउल्स, उन कुत्तों के बाउल्स में कटोरों में जब उनको भोजन दिया गया, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, हमेशा की तरह वहाँ पर क्या रहा, हेडलॉन्ग रश, बहुत तेजी से और भीड़ बढ़ गई, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और भीड़ में आवाज़ें भी आ रही है तेज गति से भोजन को करने की, क्योंकि कुत्ता जब चाट चाट कर उसको खा रहा है, दूध को पी रहा है, तो वो तेज गति की आवाज़ें आ रही है। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था कि दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो दूसरे से पीछे रह गया,
ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशंस, और वह उत्तरदायी है, यहाँ उसे कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता करनी पड़ेगी फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, भोजन का अंतिम हिस्सा प्राप्त करने के लिए भी उसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और संघर्ष करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, वरना उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। इसी प्रकार बच्चों ये देखिए सब बच्चे और सब जो कुत्ते हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर हैं। When they had finished, और जब सभी कुत्तों ने अपना भोजन कर लिया, Tricky took a walk round the shining bowls। जब सबने भोजन कर लिया तो ट्रिकी ने एक राउंड काटा, वहाँ पर घूम कर देखा, और केवल शाइनिंग बाउल्स उसने देखा, चमचमाते हुए कटोरों को जिनको सभी कुत्तों ने चाट लिया था। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, कैजुअली अकस्मात ही उनमें से एक या दो कटोरे जो खाली थे, बिल्कुल चमचमा रहे थे, उनको केवल उसने लिकिंग किया, चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, तीसरे अगले दिन क्या हुआ कि एक अतिरिक्त बाउल कटोरा उसके लिए भी रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम, और मैं भी उसे देखकर खुश था। जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और वह भी अपने कटोरे तक पहुंचने के लिए जोसलिंग धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन, और फिर उस दिन के बाद से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रगति हो रही थी, मतलब वो ठीक हो रहा था रैपिड तेज गति से। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सेवा नहीं दी गई। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग, सारा दिन वो कुत्तों के साथ भागता रहता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, केवल मित्रवत व्यवहार करता उनके साथ, स्क्रीमेजेस मतलब लड़ाई झगड़ा करता। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बींग बाउल्ड ओवर, और उसने खोज लिया, जॉयज मतलब खुशी, आनंद, ऑफ बींग बाउल्ड ओवर, कभी कटोरों को उल्टा गिरा देना, ट्रैम्प्ड ऑन, कभी एक दूसरे को कुचल देना, एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर कुछ मिनट में उसको कोई ना कोई आता और स्क्वेस्ड रौंद जाता। इन सब चीज़ों में उसे खुशी मिलने लगी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और कुत्तों के समूह का वो एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एन अनलाइकली सिली लिटिल ऑब्जेक्ट, और एक अनलाइकली और जिसकी संभावना नहीं थी, और इस प्रकार का एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिल्क के समान सॉफ्ट सॉफ्ट छोटा सा जीव, अमंग द शेगी क्र्यू, किसके साथ, शेगी क्र्यू का मतलब होता है झबरे कुत्ते, जो बहुत ही चालाक किस्म के होते हैं, लड़ाकू किस्म के होते हैं, तो उस चालक दल के साथ वो ज्वाइन हो गया। फाइटिंग लाइक अ टाइगर ऑन इज शेयर एट मील टाइम्स, भोजन के समय ये कुत्ते और बिल्कुल टाइगर के समान अपने हिस्से के लिए लड़ते थे। एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात क्या करते थे, हंटिंग रेट्स, चूहों का शिकार करते थे इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात्रि के समय मुर्गियों के बाड़े के आसपास चूहों का शिकार करने भी जाते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा जीवन उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं जिया था, क्योंकि वो अपनी मालकिन के यहाँ, अमीर मालकिन के यहाँ रहता था। All a while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. All the while, और इन सबके बीच Mrs. Pumphrey hovered, मंडराती रहती थी, anxiously चिंतित रहती थी, in the background, इस पृष्ठभूमि में, आसपास मतलब कहीं आसपास वो भी चिंतित दिखाई देती थी। Ringing a dozen times, और वो दर्जनों बार मतलब कम से कम 10-12 बार फोन करती थी, a day for the latest bulletins, एक दिन में 10-12 बार फ़ोन करती और लेटेस्ट समाचार सुनना चाहती थी कि अब उनके डॉग की तबीयत कैसी है। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। आई डॉज्ड, मैं उपेक्षा कर देता था, डॉक्टर साहब उपेक्षा करते थे उन प्रश्नों की जो पूछे जाते थे कि उसके वो जो गद्दियाँ हैं वो नियमित रूप से बदली जा रही है या नहीं बदली जा रही है, और इस करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार उसे कोट पहनाए जा रहे हैं या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट, केवल मैं तो यही बता पाता था उन्हें, द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि वो छोटा सा जो जीव है वो खतरे से बाहर है, और कन्वेंसिंग रैपिडली, और वो तेज गति से रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्री, और जब वो कन्वेंसिंग मतलब रिकवर हो रहा है ये शब्द सुनती थी, तो
तो मिसेस पम्फ्री को बहुत राहत महसूस होती थी। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozens एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और जब उन्होंने शब्द सुना तो उन्होंने शुरू कर दिया टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो वो वहाँ हॉस्पिटल में ताज़ा अंडे भेजने लगी 2 dozens एट अ टाइम, एक ही बार में कितने 2 दर्जन मतलब 24 अंडे। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी को ताकत प्रदान करने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स, और जब वो 12 अंडे भेजती तो वो किसको नहीं खिलाए जाते, डॉगी को नहीं खिलाए जाते, जबकि डॉक्टर के जो स्टाफ था वो सब खाते। वो कह रहे हैं कि फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स, मेरे जो जितने भी वहाँ पर पार्टनर लोग थे वो उन सबके अच्छे दिन आ गए थे। एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, 2 अंडे नाश्ते में मैं भी ले लेता। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोतलें हॉस्पिटल में आने लगी डॉगी के लिए, ट्रिकी के लिए, तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तो जो वास्तविक संभावनाएं थी ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की, बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, और वो घर में जो वास्तविक संभावनाएं थी वो और ज़्यादा मज़ेदार, डॉन मतलब मज़ा आने लगा, क्योंकि जो सब वहाँ कर्मचारी थे उनको ब्रेकफास्ट में अंडा भी मिलने लगा, फिर वाइन भी पीने को मिलने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये सब चीज़ें ट्रिकी के रक्त को सशक्त करने के लिए और सब ये चीज़ें आ रही थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन, और लंच के समय भी बिल्कुल समारोह जैसा, उत्सव जैसा बन गया और 2 glasses वाइन सबको मिल जाती। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, लंच से पहले भी पी लेते और कुछ बची हुई जो खाने के बाद भी वो लोग वाइन पी लेते। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वेन द ब्रेंडी कैम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी को की संरचना को मजबूत करने के लिए, और फिर क्या आने लगी, ब्रेंडी भी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइनल स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, और कुछ रातें तो क्या हो रहा था, बिल्कुल फाइन स्प्रिट, बिल्कुल जो ब्रांडी जो थी वॉज रोल्ड अराउंड, वो हमारे अंदर शरीर के अंदर जैसे घूम रही थी, इनहेल्ड हम उसको सूंघते और रिवरेंटली ड्रंक, और बहुत ही, और हम क्या करते, आदर से उसको पी लेते ब्रांडी को। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो दिन भी क्या गहरे संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 2 अंडों का नाश्ता, और फिर इम्प्रूव्ड एंड सस्टेंड बाय द मिड डे वाइन, और हम और ज़्यादा ताकतवर और सस्टेंड पोषण प्राप्त करते दोपहर की वाइन से, एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और दिन का समापन हम आराम से आग के पास बैठकर ब्रांडी पीते हुए करते। इट वॉज अ टेम्पटेशन, और ये सब चीज़ें भेजी तो उसके लिए ट्रिकी के लिए जाती, लेकिन वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा इन चीज़ों का आनंद लिया जाता। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और इसीलिए उनके मन में लालच आ गया कि ट्रिकी को तो हम यहाँ पर अपना परमानेंट गेस्ट मेहमान बना लें, क्योंकि जब तक ये यहाँ रहेगा तो खाने पीने की चीज़ों में भी आनंद रहेगा। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत ही परेशान है। आफ्टर अ फोर्टनाइट, 14 दिन बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और बिल्कुल बाधित हो गए फ़ोन करने के लिए, और फ़ोन करके टेल हर दैट, और उसको बता दिया मिसेस पम्फ्री को द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, के ये जो छोटा सा कुत्ता है वो आपका रिकवर हो गया, पुनः स्वस्थ हो गया है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतज़ार कर रहा है कब आप इसे लेने आएंगे। विद इन मिनट्स, और जैसे ही फ़ोन करने की देर थी, कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, 30 feet लंबी ग्लीमिंग और चमचमाती हुई काले मेटल की और जो कार थी वो ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर, और उसका जो ड्राइवर था, शॉफर मतलब ड्राइवर, उसने कार का दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, बिल्कुल वो अपने आंतरिक अंदर ही वो जैसे बिल्कुल खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्ब इन फ्रंट ऑफ हर, और उन्होंने अपने हाथों को कसकर और पकड़ा हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो पहले से ठीक हो गया है।
यस ही इज़ फाइन. तो मैंने कहा हाँ वो ठीक है. देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. और आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप कार से मत उतरिए. आई विल गो एंड फैच हिम. मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. और आई वॉक थ्रू द हाउस और मैं इन टू द गार्डन उस हॉस्पिटल के घर में से चलता हुआ पीछे गार्डन में पहुँचा. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन. और वहाँ पर, और मास का मतलब वही है झुंड, कुत्तों का जो झुंड था, समूह था, वॉज हर्टलिंग राउंड. वो क्या कर रहा था, मूविंग, इधर उधर चल रहे थे कुत्ते, राउंड एंड राउंड गोल गोल घूम रहे थे द लॉन. लॉन मतलब उस गार्डन में, बगीचे में. एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, जो ट्रिकी था वो अपने कानों को फड़फड़ा रहा था, टेल वेविंग, पूंछ को हिला रहा था, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. और जो वो था, वो बिल्कुल सुनहरे रंग का कौन था वहाँ पर, ट्रिकी, जो बीच में था और उसको घेरे हुए था सब कुत्तों ने. इन 2 weeks, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ लिथ. 2 सप्ताह में वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया था और एक लचीला, बहुत लचीला हो गया था, हार्ड मसल्ड एनिमल्स. और उसकी जो मसल्स, मांसपेशियाँ थी, वो बड़ी किसी हो गई थी, कठोर हो गई थी. ही वॉज कीपिंग एज वेल विद द पैक. और वो उस झुंड के साथ भी और बड़ा आनंद महसूस कर रहा था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो महान जो सीमाएं थी वो सीमाओं तक जैसे फैल गया था. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. और उसका जो, उसकी जो छाती थी वो लगभग जमीन को टच कर रही थी. आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पासेस टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. आई कैरिड हिम बैक, मैं उसे लेकर गया गलियारे से होता हुआ और हॉस्पिटल के अगले हिस्से में, मकान में लेकर गया. द शोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. चालक, जो ड्राइवर था, अभी भी कार का दरवाजा खोले हुए खड़ा था. एंड व्हेन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, और देखा तो क्या हुआ, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, और वह मेरे हाथों से नीचे उतर गया. इन अ ट्रेमंडस लीप, और उसने बहुत जोरदार एक छलांग लगाई. एंड सेल्ड, और सवार हो गया इन टू मिसिज पम्फ्रीज लैप. मिसिज पम्फ्री की गोद में जाकर सवार हो गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड, और वो भी चौंक गई. ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और वो फिर अपने आप की सुरक्षा करने लगी. एज ही स्वाम्ड ओवर हर, जैसे ही उसने और चढ़ाई कर दी अपनी मालकिन के ऊपर, तो वो अपना बचाव करने लगी. लिकिंग हर फेस, और अपनी मालकिन का चेहरा वो चाटने लगा. एंड बार्किंग, और भौंकने लगा उन्हें देखकर. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द शोफर, और मैंने उस ड्राइवर को मदद की टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और उस डॉग के जो बिस्तर थे, उसके जो टॉयज़ खिलौने थे, कुशंस, उसकी गद्दियाँ थी, उसके जो कोट्स थे, उसके जो बाउल्स कटोरे थे, सब चीज़ों को मैं बाहर लाया. None of which had been used, उनमें से कोई भी सामान का प्रयोग नहीं किया गया था. As the car moved away, और जब कार चली गई, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Mrs. Pumphrey खिड़की से बाहर झुकी. Tears shone in her eyes, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे. Her lips trembled, और अभी भी उनके होंठ कपकपा रहे थे. Oh, Mr. Harriet, she cried, और वो चिल्लाकर बोली, Oh, Mr. Harriet, how can I ever thank you, मैं कैसे आपका धन्यवाद कर सकती हूँ. This is a triumph of surgery, और ये तो क्या हो गया, आपने जो सर्जरी की है, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन किया है, इसकी जीत हो गई. तो इस चैप्टर के लेखक कौन है बच्चों, जेम्स हैरियट, यही मिस्टर हैरियट हैं जो उस डॉग के क्या हैं, डॉक्टर थे. इस प्रकार से चैप्टर खत्म होता है बच्चों. थैंक यू.